हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दुर्गा पूजा में कपलू स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए कि आप सबको आप लग सकती हैं बेहद प्यारी और खूबसूरत, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। आज मैं आप सबके साथ ये जो अपना मेकअप लुक है वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मेकअप जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फेस वॉश करके आई हूँ और मैं यहाँ पे टोनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टोनर हमारे फेस को हाइड्रेट करता है। तो आप किसी भी कंपनी का टोनर ले सकते हैं, कोई ये नहीं कि आप जो मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वही करिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीरम लिया है क्योंकि सीरम लगाने से हमारा फेस जो है एक अच्छा सा ग्लो और साइन आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीरम जो है वो अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ। आप मतलब कभी भी मेकअप करें, बाहर जाना हो नहीं जाना हो तो भी अगर मतलब सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, कम से कम 30 SPF का होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे अपने सिस्टर लोगों से फ़ोन पे बात कर रही हूँ स्पीकर पे डाल के, तो आप ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लक्मे का प्राइमर लिया है। प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी मतलब सीजन ना बहुत रूखा रूखा सा हो गया है, तो मेकअप प्राइमर जो होता है वो अंदर नहीं जाने देता, मतलब कि हमारे ओपन पोर्स को जो है वो कवर कर लेता है। बहुत मेकअप जब हम करते हैं तो स्मूथली ना मेकअप हमारे चेहरे पे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो आप कोई भी मतलब किसी भी कंपनी का प्राइमर यूज़ कर सकती हैं। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर SQ स्टे क्वर्की का मतलब फाउंडेशन लिया है। आप अपने मनपसंद से फाउंडेशन, BB क्रीम या CC क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेकअप थोड़ा सा हैवी लुक है तो यहाँ पर मैंने मतलब फाउंडेशन यूज़ किया है। और ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें मेरा स्किन टोन है 01। आप अपने स्किन टोन के मुताबिक ले सकती हैं और डैब डैब करके आप पूरे फेस पे और गर्दन पे भी, भूलिए मत गर्दन पे भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी, अगर बिल्कुल नहीं आता ना मेरी तरह आपको तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। उसके बाद एक मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको डैब डैब करके लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कंसीलर लूँगी क्योंकि मेरे आँख के नीचे थोड़ा सा डार्क सर्कल तो हो गया है, तो यहाँ पर कंसीलर मैंने फिंगर से ही अप्लाई कर लिया। आप अपने ब्रश से भी कर सकती हैं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत करती हूँ। आज मैं या छत पे आके मतलब वीडियो बना रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि घर में लाइट नहीं थी, यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो मैं छत पे चली आई। मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर आराम से बैठ के बेटी को लेकर चली और वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो अपना कंसीलर है वो भी लगा लिया, देख लीजिए पूरा मतलब कहीं भी आपको डार्क सर्कल नहीं नज़र आ रहा होगा। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो फिल करने के लिए यहाँ पे ये मतलब आईब्रो पैलेट लिया है, और आप कोई सा भी अपना मनपसंद आईब्रो पैलेट, आईब्रो पेंसिल ले सकती हैं। बट मैं ये इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि सबके फेस पे ना हर एक कलर अच्छा नहीं लगता है, और जिस हिसाब से मेकअप करें आज मैंने मतलब मैं हमेशा ब्राउन कलर यूज़ करती हूँ, बट आज मेकअप थोड़ा सा मतलब दुर्गा पूजा मेकअप लुक है तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा डार्क मतलब ब्लैक कलर लिया है क्योंकि हमें अपने आँखों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। तो आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप करेंगे तो फिर मिस कर देंगे कि कैसे मैंने किया है। मतलब मुझे मेकअप ना कोई मैं प्रोफेशनल नहीं हुई है, देख लिए पूरा मतलब चेहरे का चेंज हो जाएगा लुक इसको लगाते ही, तो कोई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे आता है वो मैं बहुत ही आसान तरीके से आप सबको बताऊँगी। और यकीन मानिए अगर आप सब भी ये स्टेप फॉलो करती हैं तो आपको भी आ जाएगा। आईब्रो को याद से बहुत अच्छे से फील करिए क्योंकि एक शेप देखिए जब हम बनाते हैं ना तो वो मतलब पूरा फेस हमारा जो है उसका लुक चेंज कर देता है। तो ये देख लीजिए मैंने अपनी दोनों आईब्रो जो है वो फील कर ली है और मेरा फेस तुरंत आपको बदला बदला नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कट भी गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, आप किसी भी कंपनी का कंसीलर ले सकती हैं। और मैं यहाँ पे कंसीलर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अब हम अपना आई मेकअप करेंगे और बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीके से अपना आई मेकअप जो है वो करने वाले हैं। थोड़ा सा कंसीलर को मैं आईब्रो के ऐसे ऊपर करूँगी ताकि फिनिशिंग मतलब बहुत अच्छी वाली फिनिशिंग जो है वो हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर होता है ना तो लग जाता है, और इससे ऐसे करके अगर हम इसको करते हैं अपना आई मेकअप शुरू करते हैं तो वो निखर के ना बहुत अच्छा से बहुत अच्छे से आता है। तो आप किसी भी कंपनी का कोई भी कंसीलर ले सकती हैं, उससे आप इसको ऐसे करके कर सकती हैं। मैं भी ना सीखते 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 थोड़ा इतना कर लेती हूँ ना कि अपना मेकअप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। और उसके बाद छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और देखिए मैं पता नहीं क्या ढूंढने लगी यहाँ पे क्योंकि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बिखरा बिखरा के रखी थी, तो मैं बस वही ढूंढ रही हूँ।
आप चाहें तो इसको ब्रश की हेल्प से भी आप इसको ब्लेंड कर सकती हैं, और या फिर आप चाहें तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर या फिर अपने फिंगर टिप से भी फिंगर से भी आप इसको अच्छे से कर सकती हैं, ताकि हमारा शेप जो है ना एकदम बहुत ही अच्छे से एकदम उभर के आए। चाहे वो हमारी, क्योंकि हम मैं थोड़ा सा आँखों पे फोकस ज़्यादा, मतलब आई मेकअप पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा करने वाली हूँ, क्योंकि हमारी आँखें खूबसूरत अगर हैं तो अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने टेप लगा लिया है, छोटा वाला टेप नहीं था, तो ये बेटी का वो जो प्रोजेक्ट के लिए आता है ना उसको मैंने किया है। तो यहाँ पर टेप अगर लगा लेंगे ना सेलो टेप, तो उससे हमारी आँखों का जो हम मेकअप करने वाले हैं ना वो इधर उधर नहीं फैलेगा। फिर मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर लिया है बेस तैयार करने के लिए। पहले आप याद से ना डायरेक्ट जो कलर है वो अप्लाई मत करिए, पहले आप मतलब कि एक ब्राउन कलर से बेस जो है वो अपना तैयार कर लीजिए। और ये हमारी एक प्रीति दीदी है, प्रीति तिवारी, जो मेरी बहुत टाइम से मेरी सब्सक्राइबर है, वो आई मेकअप के लिए मुझसे इतनी बार बोली वीडियो बनाने के लिए, बट मैं नहीं बना पा रही हूँ, और अभी मेरा फेस भी थोड़ा सा उतरा है। तो मैंने यहाँ पे अभी मेरा ब्रश भी मिल गया आई मेकअप वाला, तो उस ब्रश की हेल्प से लाइट ब्राउन कलर लिया है और उससे मैंने बेस जो है वो अपना तैयार कर लिया है। मेरी बेटी है वो मुझे मतलब सिखा रही है कि मम्मी ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि अच्छा लगता है उसको भी। मतलब मेरे सामने अभी थोड़ी सी बैठी है और बैठ के मुझे समझा रही है। मेरा कैमरा इधर से उधर, मेरा फ़ोन हिल रहा था, तो जो हम पहले बेस तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने आई शेडो पैलेट से डार्क ग्रीन कलर लिया है, क्योंकि अभी मैंने जो साड़ी पहनी है उस एकदम सेम उस कलर का तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं इसको सेम उस कलर का बना ज़रूर दूंगी, कोशिश करती हूँ। और उसके बाद मैं हम यहाँ पे फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आई मेकअप कर रहे हैं, तो आप फिंगर से भी कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर एक ब्रश लिया है, उस ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब क्योंकि हमें आई मेकअप बहुत अच्छा करना है और मतलब हमें बहुत सुंदर दिखना है सब मिला के, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जितना अच्छा ब्लेंडिंग होगा उतना आई मेकअप जो है वो अच्छे से हमारा निखर के आता है। तो देखिए ग्रीन जो है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसी पैलेट से लेने वाली हूँ ब्लैक कलर, क्योंकि मेरी साड़ी में ब्लैक भी है, तो हम इसको कॉर्नर पे अपने आई कॉर्नर पे इसको देखिए ये टेप लगाया है ना, तो इससे बहुत अच्छी क्रीज जिसे हम बोलते हैं वो बन जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लैक कलर को भी, और उसके बाद हमारा मेकअप जो है आँखों का वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने दोनों आँखों पर ऐसे ही करके आई मेकअप लगा लिया है, अरे आई शेडो लगा लिया है, और ये अब मैंने अपना टेप जो है वो निकाल लिया है, और ये है मेरा फाइनल लुक जो है। अब बारी आती है थोड़ा सा कंसीलर मैं यहाँ पे लूँगी फिनिशिंग, क्योंकि हमें अच्छी देनी है, और थोड़ा सा मुझे लगा कि नीचे गिर गया है जो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे आपको अगर ऐसा लगता है कि कभी आई शेडो गिर गया है और मेकअप थोड़ा सा, तो आप ऐसे लगा के, फिर पाउडर भी अगर आप लगा के करें तो भी हो जाता है। तो मैं इसको अच्छे से फिर से उंगली की हेल्प से और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर, मतलब कि पाउडर लिया है, और जिससे मैं अपना मेकअप जो है वो फाइनल सेट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने अपना मेकअप जो है, आप कोई सा भी आपके पास जो भी हो, लक्मी का हो, मैंने यहाँ पे लक्मी का ही लिया है, NY का जो भी हो, उससे आप अपने मतलब मेकअप को पहले सेट कर लीजिए। और उसके बाद बारी आती है कॉन्टोरिंग की, तो कॉन्टोरिंग तो बहुत हाई फाई नहीं आती, लेकिन वही जो मैंने आईब्रो को फिल करने के लिए लिया था उसी से मैं ब्राउन कलर लूँगी और अपने फेस को थोड़ा सा कंटूर करूँगी, ताकि थोड़ा सा मेरा फेस मतलब पतला दिखे, अच्छा लगे। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ लगाऊँगी, और आप ब्रश की हेल्प से भी कंटूर जो है वो अपना फेस को कर सकती हैं। तो मेरी बेटी सामने बैठी थी तो वो मुझे सब समझा रही थी, मम्मी ऐसे नहीं, मम्मी वैसे नहीं, तो मैं उसकी तरफ भी बार बार इधर से उधर देख रही थी। उसके बाद ये तो हो गया, अब बारी आती है नोज़ कॉन्टोरिंग की, तो बस उसी पैलेट से मैंने फिंगर से ये लिया है, बहुत आसान है, कोई मतलब मेकअप करने में मुझे नहीं लगता कोई बहुत वो है, बस थोड़ा सा हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर हम सीखते सीखते सीखे तो वो भी आ जाता है। तो ये देख लिए नाक एकदम लग रही है चौकी चौकी मतलब कि अच्छी लग रही है। उसके बाद ये देखिए मेरा जुगाड़, दो क्लिप लगा के मैंने यहाँ पे बना लिया है हाइलाइटर वाला ब्रश, और मैंने यहाँ पे ये हाइलाइटर पैलेट लिया है। उसके बाद मैं अपने नोज़ को थोड़ा सा हाइलाइट करूँगी, और मेरा कैमरा फिर से, मेरा फ़ोन इधर से उधर हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा अपने हाईलाइट करूँगी।
उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने फेस को जो है क्या बोलते हैं इसको चीक बोन को वो उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, क्योंकि दुर्गा पूजा में ना अगर रात में मेकअप कर रहे हैं तो भी और दिन में मेकअप कर रहे हैं तो भी। और उसके बाद मेरी बेटी मुझसे कुछ कहने लगी कि मम्मी ज़्यादा चमक रही हो, तो मैं हंसने लगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये और उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल की लिपस्टिक ली है जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, रेड लिपस्टिक। और फिर मैंने ये देखी अपनी लिपस्टिक जो है वो भी। उसके बाद मैं भूल गई थी अपना ये मस्कारा लगाने के लिए, अभी मुझे याद आया कि अरे ये तो छूट गया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मस्कारा, आप किसी भी जो भी आपके पास हो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप इसी ब्रांड का यूज़ करो, बट मैंने यहाँ पे मेबलिन का लिया है, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले लिया था। और उसके बाद ये लगा लिया है और अपने मैंने बाल खोल लिए हैं, और अब जो मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट होगा मेरे सिंदूर के साथ, क्योंकि सिंदूर के बिना तो कोई मेकअप लुक कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए ये मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद आप ऐसे दुर्गा पूजा में अगर आप ऐसे सजेंगी संवरेंगी तो लगेंगी बेहद ज़्यादा खूबसूरत। कैसी लगी वीडियो आप सबको मुझे कमेंट करके आप सब ज़रूर बताइएगा। और बस अब मेरा फाइनल लुक जो है वो देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बस अब ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा भर भर के मैंने यहाँ पे, क्योंकि सिंदूर लगाने के बाद पूरा फेस पूरा मेकअप पूरा हर एक चीज़ जो है वो आपका लुक जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये देखिए ये है मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप सबको कैसी लगी और मैं कैसी लग रही हूँ, और ये जो मैंने इतना ज़्यादा मेहनत करके ये लुक क्रिएट किया वह कैसा लग रहा है। मुझे लगता है अच्छा ही लग रहा होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। और पीछे टीवी चल रही है तो वॉइस ओवर अभी मैं कर रही हूँ, तो आप भी अगर ऐसे करती हैं तो आप मुझे ज़रूर अपनी फ़ोटो शेयर करिएगा, मैं इंस्टाग्राम अपने पेज पे लगाऊंगी। आज मैं थोड़ा सा अपने छत पे आ गई हूँ, मैंने पहले ही बताया कि उसके यहाँ आके और मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।